ये भैया आगे बैठे हैं ना, इनको देखो, ये भैया हमारे ये जो आगे बैठे हैं ये देख नहीं सकते, अंधे हैं। इन्होंने मेरे से आज बताया कि इन्होंने कथा सुनी, और कथा सुनी तो कथा से इनका जीवन इतना बदला, ये पहले निराश थे क्योंकि इनकी तो आंखें नहीं है, ये देख नहीं सकते, इन्हें लगा कि अब तो मेरा जीवन व्यर्थ है, पर कथा मिल गई तो कथा ने इन्हें एक नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी। और इन्होंने कथा के माध्यम से क्या क्या पाया, और आज इन्होंने मेरे को बोला कि महाराज जी कथा की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं पहले नौकरी नहीं करता था। ये खुद बताइए, बताएंगे भैया बताओ आपने पहली बार कथा कब सुनी, क्या क्या सुना आपने, कथा से क्या पाया आपने? सबसे पहले श्री कृष्ण जी के चरणों में सादर प्रणाम, और गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम, माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। मैं 20 फरवरी सन 2020 को पहली बार कथा सुना था यूट्यूब पर। हमें सुनाने वाले थे हमारे दोस्त मनीष यादव। ठीक है। उस समय तब मुझे दिखना बंद हो गया था, पहले हमें दिखाई दिया करता था। अच्छा, पहले आपको दिखता था? जी गुरुदेव। फिर एक्सीडेंट में हमारी आंखें चली गई थी। अच्छा। तो माता पिता ने बहुत प्रयास किया, एम्स शंकर नेत्रालय तक ऑपरेशन हुआ, बट कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। फिर मैं भी पिताजी से कहा कि जब कुछ नहीं हो सकता तो दिव्यांग स्कूल बहुत सारे हैं, ब्लाइंड स्कूल बहुत सारे हैं, हमें उसमें ही डलवा दीजिए ताकि कुछ हम कर सकें, क्योंकि हम जानते थे कि हारेंगे तो हार जाएंगे, कुछ करेंगे तो कोई ना कोई हमें सहयोग कर ही देगा। जी। बट उसके बाद हमारे ऐसे भी बहुत से लोग मिले जिन्होंने कहा कि इसे मंदिर में छोड़ दो, फुटपाथ पे छोड़ दो, बट मेरे पिताजी की है, मैं उनका ऋण कभी भी नहीं चुका पाऊंगा ना माँ का, कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम कुछ करोगे। दौर वो भी आया 10वीं क्लास का। फिर कथा से आपको क्या परिवर्तन हुआ, कथा से कब जुड़े आप, कथा से क्या आपने बताया कि मुझे कथा की कोई बात अच्छी। 20 फरवरी को सुना था। तो क्या सुना था कथा में? गुरुदेव एक बात कहा कि हार वो लोग भी जाते हैं, कर वो भी लेते हैं, लेकिन जो लोग हार जाते हैं वो कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कोशिश कीजिए, ठाकुर जी आपके साथ हैं। उस दिन मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया। कथा सुनी और कथा से उन्होंने निश्चय कर लिया, फिर क्या किया आपने कथा उसके बाद? उसके बाद मैंने यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब इस कुछ ना कुछ करूँगा। जी। बट फिर भी मैं वहाँ से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा, 2019 में आया वैकेंसी, 69,000 पदों पे भर्ती आई थी, उसमें से मैं रेलवे में सेलेक्ट हुआ। अब हम रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। ये रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, और आज इन्होंने बताया कि रेलवे में नौकरी कर रहे हैं ये, और आज इन्होंने बताया कि मेरी जो कमाई है उस कमाई के ये 100 रुपए लेकर आए, और इन्होंने कहा कि 100 रुपए आज मैं संतों की सेवा में समर्पित करना चाहूँगा, अन्य क्षेत्र बंटवाना चाहूंगा, कुछ भी सेवा का कार्य। बात बस मैं आखिरी बात बस सभी से यही कहना चाहता हूं कि देखिए माता पिता हम लोगों को चाहे किसी भी तरह पाले हों, आज अगर माता पिता को वृद्ध आश्रम और वृद्धों को छोड़ दिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। मैं सभी से हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसा कोई ना करे, अपने माताओं माता पिता का सेवा करे, क्योंकि आप जो करेंगे आपकी पीढ़ी भी वही करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव जी के चरण में सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। आज इन्होंने आकर के इन्होंने कथा सुनी और कथा से जुड़े हैं ये, और कथा के पहले ये निराश थे, और कथा के बाद एक पॉजिटिविटी मिली, एक नई दिशा मिली, और उन्होंने फिर खड़े होकर प्रयास किया और सरकारी कार्य इनको मिला, और अब उस कमाई का कुछ हिस्सा ये आज इन्होंने बताया कि मैं केवल 100 रुपए देने की स्थिति पर हूँ अभी। मैंने कहा आपके 100 रुपए 1,00,000 रुपए के बराबर हैं, आपने जो भाव रखा वो लाखों का है, आपके आपके जरा से सहयोग से ये सिद्ध होता है कि आज भी समाज में परोपकार की भावना है। और देखिए ऐसे लोग, जब ऐसे लोग परोपकार की भावना रख सकते हैं तो आप जैसे लोगों को रखना चाहिए, कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार से जोड़ते रहना चाहिए। वो माएं जिन माओं के अपने बेटों ने छोड़ दिया, अपनों ने साथ नहीं दिया, अपनों ने सताया ठुकराया, ऐसी 272 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में आज हैं। कितनी माएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में? 272 हैं, और अभी 1,000 माताएं और रह सकें इसकी व्यवस्था में लगे हुए।
ये आश्रम बन रहा है माताओं के लिए, जिसमें 1000 माता है। अभी ये भैया ने क्या बोला कि माँ बाप का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज समाज में कुछ बेटे ऐसे हैं जो अपनी माँ को छोड़ देते हैं। माँ कौन है? भगवान का रूप है। भगवान और माँ ये पर्यायवाची है, चाहे आप भगवान कहो या माँ कहो। भगवान का पर्याय क्या है? भगवान का पर्याय क्या है? माँ। और माँ का पर्याय क्या है? भगवान। माँ और भगवान ये दो नहीं है, ये दोनों एक है। इसलिए जिस माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जन्म दिया, क्या नहीं करती माँ, ऐसी माँ को जब आपकी जरूरत पड़े तो आप अपनी माँ की सेवा जरूर करना। माएं बहुत दुखी तब हो जाती हैं, कहते हैं ना शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। गलत कहते हैं कहने वाले कि शादी के बाद बेटी पराई होती है। अरे शादी के बाद बेटी होती है पराई के नहीं, पर बेटे जरूर पराए हो जाते हैं। शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं कि नहीं ये तो आप समझो, पर बेटे जरूर पराए हो जाते हैं। और उन्हीं पराए बेटों ने, जो शादी के बाद पराए हो गए, उन्हीं बेटों ने फिर अपनी माँ को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज आपकी हड्डियां मजबूत है ना, तो केवल इसलिए कि बचपन में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पाँव में खूब तेल लगा लगा कर मालिश की, खूब मालिश की आपकी, इसलिए आज आपकी हड्डियां स्ट्रांग है, मजबूत है। आपकी माँ ने आपकी मालिश की कि नहीं बचपन में? उस माँ का ऋण कोई भला कैसे चुकाएगा? ये हमारी माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। माँ का परिचय माँ से ही सुनते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बड़ोए पठारी से। पठारी से? बड़ोए पठारी से। कितने बच्चे हैं मैया आपके? 3 बच्चे हैं, 7 नाती हैं, 3 पंती हैं। तो इतना बड़ा परिवार फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? राखी नहीं मराती हमें। रखते नहीं हैं आपको? उन्हें अपने नाम जगह दे दी, हमें जगह नहीं दी, सुखे दिल के निकरोट में रे जगह नहीं मराती। सारी जगह अपने नाम कर ली और आपको कह दी निकलो आप। बेटों ने जगह अपने नाम कर ली और माँ से कह दिया निकलो आप, रहने की जगह नहीं, रहने की जगह नहीं दी। जगह मिलने 3 साल हम ना मार गए, तो आपकी कथा सुनी गांव में वो टीवी पे, तो हमें चला गए। 3-4 साल तक यहाँ वहाँ भटकती रही मैया, फिर गौरी गोपाल आश्रम के बारे में किसी ने बताया तब मैया यहाँ आई। तो बेटे सेवा करने को तैयार नहीं है? रहने को जगह नहीं दी हमें, खाबो तो दूर है, जगह नहीं गई। उसे पूछी तो उन्हें मंगले न कह गई, हमारे जगह नहीं गा, संजले न कह गई, हमारा आके हल्के न कह गई, हमारा। बड़े ने कह दिया कि हम नहीं रख सकते, मझले ने कह दिया हम नहीं रख सकते, छोटे ने कह दिया हम नहीं रख सकते। तीनों बेटों ने माँ को एक बिस्तर कितना, एक पलंग कितनी जगह में आता, 3x6 की जगह में आदमी सो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन वो जगह भी नहीं है। जबकि 3 बेटा हैं, फिर पोता पोती, सब बड़ा परिवार है, लेकिन वो माँ जिन माँ ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, जन्म दिया, आज उन तीनों ने माँ को जरा सी जगह नहीं दी और माँ को फिर यहाँ आना पड़ा। मैया आप यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं है महाराज, खूब अच्छे रह रहे, बढ़िया, कोई तकलीफ। खुश हैं आप? खुश हैं। यहाँ आप आई हो रहने के लिए, आपके रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? हमारे लगा है तेरी ने महाराज, हम कहाँ चंदे थे आपको, बिल्कुल एक पैसा नहीं दिया हमने, एक भी रुपए इन माँ से नहीं लिया जाता। जो आप लोग सहयोग करते हैं, आप लोगों के सहयोग के बल पर इन माँ की यहाँ पर सेवा होती है। यदि ईश्वर ने आपको लायक बनाया है तो इन बेसहारा माँ को आप सहारा देने की कोशिश जरूर करें। जो किसी को सहारा देता है भगवान उन्हें सहारा देते हैं, जो किसी का साथ निभाता है भगवान उनका साथ निभाते हैं, और जो किसी का हाथ पकड़ता है तो भगवान उनका हाथ जरूर पकड़ते हैं। इसलिए अपनों ने तो हाथ छोड़ दिया, अपनों ने तो साथ छोड़ दिया, अब हम और आप अपने पुत्र धर्म निभाएं। इन माँ का हमसे
खून का रिश्ता तो नहीं है पर इंसानियत का रिश्ता है। इसलिए आप और हम भी अपनी इंसानियत को मरने ना दें, जीवित रखें और हम इन माओं की सेवा का भाव बनाएं, संकल्प लें।